गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आए हैं जिसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। जनरली वी स्पीक लैंग्वेज इन फोर मैनर्स। आइदर हम एक चीज़ को स्टेट करते हैं, एक चीज़ के बारे में बताते हैं जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, और हम इंक्वायर करते हैं किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करते हैं जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या कभी कभी हम किसी से प्रे करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, या कभी कभी हम अपने इमोशंस को, जैसे इमोशंस ऑफ सरप्राइज, इमोशंस ऑफ शॉक, जॉय और सॉरो को व्यक्त करते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। सो टू स्पीक इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर मैनर्स हियर, हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सेंटेंस का अडॉप्ट करना होता है। हियर इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू। तो अब हम ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं डिफरेंट वेज से, जिसमें पहला टॉपिक है बिगनिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो वी कैन फ्रेम क्वेश्चंस बाय यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे डू है, डू के जो फॉर्म्स हैं डिड, डज, हैव के जो फॉर्म्स हैं हैज और हैड का यूज़ कर सकते हैं, बी के जो फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, विल, शैल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा का हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस में जो आंसर्स आते हैं वो आपके अफर्मेटिव या निगेटिव में हो सकते हैं, यानी यस नो में इसके आंसर्स मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। दूसरा जो है वो बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स, यानी क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू हो सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जैसे वाई है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, विच है, एक्सेट्रा, तो इनकी मदद से भी हम क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम फ्रेमिंग कर रहे हैं क्वेश्चंस का ऑक्सिलरी वर्ब्स की मदद से, जिसके आंसर्स यस नो में आएंगे। तो फ्रेमिंग यस नो क्वेश्चंस विद ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसा कि हमने लिखा है इसमें, एंड असर्टिव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस by placing the auxiliary verbs before the subject, यानी subject से पहले हम auxiliary verbs जो already sentence में दिए रहते हैं is, am, are, was, were, has, have, whatever, तो इन verbs को हम क्या करते हैं कि subject से पहले put कर देते हैं। जैसे example हमने दिया है they are holding a meeting tonight, तो इसको हम interrogative बना सकते हैं, are they holding a meeting tonight, जैसे फिर है यू हैव टेकन लंच, तो इसको हम हैव को पहले रख सकते हैं, हैव यू टेकन लंच। तो इस तरह से हम जो भी ऑक्सिलरीज ऑलरेडी दिए हुए हैं उन ऑक्सिलरीज को सब्जेक्ट से पहले पुट करके हम बना सकते हैं। बी है फ्रेमिंग इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चंस विद ऑक्सिलरीज। अभी हम ऑक्सिलरीज की मदद से बना रहे थे, और इसमें यह है कि जो इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चंस हैं वो हम नॉट की मदद से बना रहे हैं, और ख़ास तौर से कॉन्ट्रैक्टेड निगेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड निगेटिव फॉर्म्स का मतलब ये है कि वो जैसे इज़ नॉट है तो इज़न्ट हो जाता है, हैज़ नॉट है तो हैज़न्ट हो जाता है, कैन नॉट है तो कांट हो जाता है, हैड हैव नॉट है तो हैवेंट हो जाता है। तो इस तरह से इफ़ द असर्टिव सेंटेंस इज निगेटिव, वी कैन चेंज इट इंटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव बाई यूजिंग द कॉन्ट्रैक्टेड निगेटिव फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरीज जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट। तो ये दोनों यानी कॉन्ट्रैक्टेड निगेटिव फॉर्म्स जो हैं वो सब्जेक्ट से पहले ही लगाते हैं दोनों के दोनों। जैसे द कैप्टन इज नॉट प्लेइंग, जैसा कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, तो हम ये कह सकते हैं इजेंट द कैप्टन प्लेइंग। इसी तरह से सोहन हैज नॉट अराइव्ड येट, तो हैजंट सोहन अराइव्ड येट। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चंस ऑक्सिलरीज की मदद से। नेक्स्ट है सी फ्रेमिंग येस नो क्वेश्चंस विथ फुल वर्ब, यानी मेन वर्ब के साथ हम बना सकते हैं।
इसके लिए फॉर फ्रेमिंग यस नो क्वेश्चंस विद फुल वर्ब और मेन वर्ब वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डू डिड और डज एक्सेट्रा। तो इसमें अकॉर्डिंग टू, जैसे दे लिव इन अ बंगलो, तो हम दे के अकॉर्डिंग और देखेंगे कि कौन सा टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डू का यूज़ किया गया है दे से पहले। तो डू दे लिव इन अ बंगलो। इस तरह से रामू वर्क्स इन अ कॉटन मिल, तो रामू के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज का इस्तेमाल करेंगे, तो डज रामू वर्क इन अ कॉटन मिल। इसी तरह से शी सेलिब्रेटेड हर 17th बर्थडे यस्टरडे, तो ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसमें डिड का यूज़ करेंगे, और डिड शी सेलिब्रेट हर 17th बर्थडे यस्टरडे। तो इस तरह से हम ये चाहें तो फ्रेमिंग यानी फुल वर्ब के साथ, फुल वर्ब जब दिया रहता है तो उसमें डू के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डू का फॉर्म डू है, डिड है, डज है, तो इसके साथ हम क्वेश्चन बना सकते हैं और इसमें हमारी मदद ये डू के डिफरेंट फॉर्म्स करते हैं। अब हम इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्रेमिंग यस नो नेगेटिव क्वेश्चंस विद फुल वर्ब्स। तो इसको फ्रेम करने के लिए फॉर फ्रेमिंग नेगेटिव क्वेश्चंस, जैसा कि आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरीज डू का हम यूज़ करते हैं। जैसे दे डू नॉट लिव इन अ बंगलो, तो डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म में लाएंगे तो ये डोंट हो जाएगा, डोंट दे लिव इन अ बंगलो। इस तरह से रामू डजेंट वर्क इन अ कॉटन मिल, तो ये डज नॉट दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट से पहले यानी रामू से पहले आ जाएगा, डजेंट रामू वर्क इन अ कॉटन मिल। इस तरह से है शी डिड नॉट सेलिब्रेट हर 17th बर्थडे यस्टरडे, तो डिड नॉट है, डिड नॉट को शी से पहले लगाएंगे यानी सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, तो डिडेंट शी सेलिब्रेट हर 17th बर्थडे यस्टरडे। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक कवर किया है और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू। नाउ इट इज़ टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज दैट यू हैव गॉन थ्रू दिस चैप्टर, एंड फॉर योर आंसर्स प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। थैंक यू।